बासपुर में धार्मिक स्थल के नाम पर चंदा मांग रहे दो युवकों को विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने पकड़ लिया। पूछताछ के दौरान दोनों युवकों ने अपने व परिवार के लिए चंदा मांगने की बात को कबूल किया, जिसके बाद आक्रोशित विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने दोनों युवकों को पुलिस के हवाले कर दिया। बता दें कि बाजपुर चीनी मिल के समीप विशेष समुदाय के दो युवक द्वारा धार्मिक स्थल के नाम पर चंदा मांगा जा रहा था। वह गौ संरक्षण समिति के अध्यक्ष गणेश यादव ने दोनों युवकों को रोककर पूछताछ की, जिसमें दोनों युवकों ने कलियर निवासी होना बताया। वहीं आधार कार्ड में दोनों युवकों का निवास स्थान उत्तर प्रदेश के बाराबंकी होना सामने आया है, जिसको लेकर गणेश यादव ने इसकी सूचना विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री यशपाल राजहंस को दी है। सूचना मिलते ही यशपाल राजहंस और अन्य कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए, जहां दोनों युवकों की तलाशी लेने पर उनके पास से 4 आधार कार्ड, कीमती नग और कई ताबीज सहित अन्य सामान बरामद हुए हैं। फैक्ट्री परिसर का विषय है। गणेश यादव जी के माध्यम से सूचना मिली कि 2 संदिग्ध लोग हैं। वहाँ पहुँच के देखा गया तो समाज के लोगों ने भी इनको रोका। इनसे जो नाम पूछा गया तो नाम समुदाय विशेष के दोनों ये युवक हैं और बता रहे थे ऐसा कि कलर शरीक के नाम पर ये पैसा मांग रहे हैं हरी चादर को फैलाकर। जब इनके आधार कार्ड देखे गए तो उसमें कलर शरीक का एड्रेस नहीं था, ना उसके आसपास के किसी गांव का था। ये बाराबंकी के लोग हैं। जब इनसे और सख्ती से पूछा गया तो इन्होंने कहा कि हम व्यक्तिगत रूप से अपने घर परिवार के लिए पैसा मांग रहे हैं, कलर शरीक पैसा नहीं भेजेंगे। तो धार्मिक स्थल के नाम पर हवाला देकर ये समाज को गुमराह करके पैसा मांग रहे हैं और इनके पास बहुत सारे ताबीज भी हैं, बसीकरण के बहुत सारे इनके पास पंपलेट्स भी हैं और इनके पास नग भी हैं महंगे महंगे। ये समाज को कहीं ना कहीं गुमराह करके, और ऐसे ही लोग जो क्राइम होता है क्षेत्र में, जो बाहर से लोग आते हैं वो क्राइम को अंजाम देते हैं। इनका कोई सत्यापन भी नहीं हो रखा है और शासन प्रशासन इनको ऐसे घूमने की कोई अनुमति भी नहीं है फेरी लगाने के लिए। तो इनका सत्यापन हो और किस मंशा से क्षेत्र में घूम रहे हैं, इनकी क्या अंदर षड्यंत्र है, ये सब जानकारी पुलिस को मिले, इसलिए जो SSI महोदय हैं विक्रम धामी जी, उनको भी सूचना दे दी गई है।